एक और जहां सभ्य होते समाज में होली की परंपरा विलुप्त होने के कगार पर है, तो वहीं हंसी ठिठोली का ये पर्व रंग गुलाल तक ही सीमित होकर रह गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आदिवासियों के दिलों पर होली के वही पुराने चटक रंग आज भी कायम है। होली मनाने के अंदाज आज भी पारंपरिकता की खुशबू लिए प्राचीन रीति रिवाज आदिवासी क्षेत्रों में आज भी पूरे उल्लास के साथ निभाई जा रही है। जी हाँ, सभ्यता के ब्यार से आज भी अछूते आदिवासी अपनी मस्ती में होली का पर्व मनाते हैं। आदिवासी फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा को होली का डांडा रोपण करते हैं। इसके बाद पूरे महीने तक महिलाएं और पुरुष अलग अलग टोली बनाकर फाग गाते हैं। धुलंडी को शाम के समय ये लोग एक खास इलाके में जमा होते हैं। इसके बाद नवागत बच्चों को ढूंढा जाता है। कई क्षेत्रों में तो युवा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आदिवासी पुरुष महिलाओं का भेष धारण कर लेते हैं। लोगों के मूर्ख बनने पर महिला बना पुरुष लोगों से नेक भी लेता है। मारवाड़ गोड़वाड़ क्षेत्र के कई गांवों में भी इस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जाता है। आदिवासियों में होली की मस्ती पूरे महीने तक रहती है। होली के बाद रंग पंचमी, शीतला सप्तमी आदि पर भी रंग खेला जाता है। आदिवासी क्षेत्र में लोग होली के रंग में पूरी तरह रंग जाते हैं। चंग की थाप पर फाग गाते पुरुष क्षेत्र भर में उल्लास के साथ रंग भर देते हैं। आमल की एकादशी से लेकर शीतला सप्तमी तक रात में चौक पर महिलाएं और पुरुष जमा हो जाते हैं। पुरुष चंग की थाप पर फाग गाते हैं और महिलाएं गोल घूमते हुए लूर लेती है। इस दौरान गालियां गाने का रिवाज है, जिसका आदिवासी सदियों से निर्वहन करते हैं। यानी साफ है कि शहर और गांव में होली का पुराना उत्साह खत्म होता जा रहा है, लेकिन आदिवासी अब भी अपनी परंपराओं को जीवंत बनाए हुए हैं। जंगलों में रहने वाले ये लोग उल्लास और उमंग के साथ होली मनाते हैं। आदिवासियों की मस्ती के रंग आदिवासी हलकों में खुशियों के रंग बिखेर देते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।